गणेश नाइक की मांग, सुरक्षा तय करो, फिर खोलो स्कूल, स्ट्रक्चरल ऑडिट और कोरोना से बच्चों की सेफ्टी पर जोर। ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में अगले हफ्ते से प्रारंभ हो रहे स्कूलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने, शिक्षकों की मौजूदगी और कोरोना से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बीजेपी नेता दशरथ भगत, महापौर जयवंत सुतार समेत तमाम पदाधिकारियों के साथ आयुक्त के साथ चर्चा में पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने तुर्बे स्टोर्स हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए मंजूर किए गए उड़ान पुल के निर्माण में देरी पर सवाल उठाया। इसके साथ ही रेलवे पुलों और सरकारी इमारतों के लिए खतरा बन रहे पेड़ों को काटने, स्ट्रीट लाइट में LED बल्ब बदलने और बढ़ते प्रदूषण को रोकने की मांग करते हुए MPCB और मनपा की लचर भूमिका पर रोष जताया। उन्होंने ऐरोली में अनावश्यक दीवार बनाने पर भी आक्षेप लेते हुए आयोग से मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की। अपने महानगर पालिकेच्या शाळा सुरू करण्यापूर्वी त्याचं इलेक्ट्रिकल ऑडिट करावं, त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं, स्वच्छता परिपूर्ण करावी, जिथे शिक्षक नाहीत, जिथे मुख्याध्यापक नाहीत, अशा प्रकारच्या ज्या सगळ्या गरजा आहेत त्याचा परिपूर्ण शिक्षण विभागामार्फत पूर्ण आराखडा तयार करावा आणि शाळा सुरू करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर शाळा चालू कराव्या, हा प्रामुख्याने मुद्दा आहे। आणि त्याचबरोबर कोरोनाच्या कालखंडात जे शिक्षण होऊ शकलं नाही, सर्व विद्यार्थ्यांना सगळ्या सुविधा नसल्याकारणानं त्या सर्व ज्ञान मिळू शकलं नाही, तर त्याकरता अधिकच त्या ठिकाणी बळ लावून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावा यासाठी त्यांना आम्ही सूचना केलेल्या आहेत। तुर्बे स्टोरला 24 जानेवारीला रस्ता क्रॉस करताना एका महिलेचं निधन झालं, तत्पूर्वी बरेच लोक जखमी झालेत, बरेच लोक मृत पावलेले आहेत। त्या ठिकाणी ब्रिजचा टेंडर होऊन सगळ्या गोष्टी प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या तरीसुद्धा त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टरला वर्क ऑर्डर दिली जात नाही। त्याचबरोबर जे मध्ये मध्ये काही स्पेशल कंपन्यांकरता रस्ते तोडून सिग्नल बसवले होते, ते कसल्याही प्रकारची मंजुरी न घेता, कसल्याही प्रकारची त्याची निधीची तरतूद न करता हा असा तत्पर असा अधिकारी कोण, तर त्या सगळ्यात त्या अधिकाऱ्याने सगळ्याच वॉर्डमध्ये पाठवून सगळी वॉर्डची राहिलेली कामं पुरी करण्याची जबाबदारी त्याच्याचकडे द्यावी, अशा प्रकारची माननीय आयुक्त महोदयांना मी सांगितलं। आणि त्याचं नाव काय, त्याच्यावर कारवाई काय केली आणि तो पंक्चर बंद कधी करणार आहात, कारण तो मास्क सभेने दिलेली परवानगी नाही, कारण त्या ठाणे बेलापूर रोडला अशा प्रकारची स्पेशल परवानगी कुठल्या कंपनीला देण्यात आलेली नाही आणि म्हणून ते बंद करायची मी मागणी केलेली आहे। इस अवसर पर मीडिया ने जब उनसे लगातार टूट रही बीजेपी पर सवाल पूछा तो बीजेपी विधायक ने साफ कहा कि 1995 से लेकर 2021 तक कई नगर सेवक और पदाधिकारी साथ आए और चले गए, लेकिन जनता ने मेरे विचारों और कार्यों को सम्मान दिया। गणेश नाइक ने जोर देकर कहा कि नई मुंबई में राजनीतिक उथल पुथल चाहे जितनी हो जाए, लेकिन बीजेपी सफल रहेगी और जनता की सेवा और विकास के लिए फिर जीतेगी। 1997 साली माझ्या बरोबरचे काही लोक गेली, 2000 गेली, 2005 गेली, 15 गेली, 20 गेली आणि 21 पण गेली। 1995 ते 2020 पर्यंत त्या ठिकाणी गणेश नाईकाच्या विचारसरणीचेच नगरसेवक निवडून आले आणि गणेश नाईकच्या विचारसरणीनंच या 25 वर्षामध्ये या शहराचा कारभार चालला। मी विनम्रपणे सांगतो, गेलेल्यांना परमेश्वराने सुखी ठेवावं, त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद द्यावा, ते गेल्यामुळे आमच्या जी काय मागणी आमची आहे त्यामध्ये काही फरक पडणार नाही, जे गरजेचं आम्हाला ते मिळणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TVN इंडिया। पूर्वा एजेंसी सोनपाड़ा, हाउस कीपिंग और हाउस क्लीनिंग वस्तुओं के सबसे रियायती विक्रेता, यहाँ उपलब्ध है होलसेल और रिटेल में साफ सफाई और कीटाणु नाश करने वाली सभी वस्तुएं और साजो सामान, जैसे ब्रांडेड कंपनी के क्लीनिंग रसायन, सोप और डिटर्जेंट, डस्टबिन, छोटे बड़े मॉप्स और झाड़ू, किचन नैपकिन्स और फ्लोर डस्टर्स, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की अनेक वस्तुएं, रोज उपयोग होने वाले अनेक उपकरण। अब पाए 25% तक का स्पेशल डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी।
घर हो या सोसाइटी, ऑफिस हो या दुकान, क्लीनिंग के लिए जरूरी हैं पूर्वा एजेंसी के सामान। आपका समाधान, यही हमारा फायदा। पूर्वा एजेंसी, सानपाड़ा।